कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें कि आज शाम 3:20 बजे एक अद्भुत घटना होने वाली है। यह घटना आपकी पूरी जिंदगी की रूपरेखा बदल कर रख देगी। जी हां दोस्तों, महादेव ने अब आपका फैसला कर लिया है। आज शाम से आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख खत्म हो जाएंगे और बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आपका जीवन बिल्कुल हीरे की तरह चमक जाएगा। जो चीज आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी, वह सब कुछ आपको मिलने वाला है। भगवान भोलेनाथ अब आपके जीवन में, आपकी कुंडली में प्रवेश करने वाले हैं और आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जितने भोले हैं उतने ही क्रूर भी हैं। अब आप भोलेनाथ की क्रूरता अपने दुश्मनों पर देखेंगे, क्योंकि भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब आपके दुश्मन आपके रास्ते से हट जाएंगे। भोलेनाथ आपके दुश्मनों को सजा देंगे और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन बिल्कुल सूरज की तरह चमक जाएगा। आज शाम से आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव और चमत्कार होने वाला है कि देखते ही देखते आपका जीवन रंग से राजा बन जाएगा। आपने अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख झेले हैं, बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना किया है, लेकिन अब और नहीं। अब आपका जीवन भगवान भोलेनाथ के हाथ में है। आपके जीवन की दिशा का फैसला देवों के देव महादेव ने कर लिया है और अब आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने से कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। परंतु आप अपनी तरफ से कोई भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जो ग्रह गोचर बना रहे हैं आपके नसीब में पूरे 25 लाख हैं। इसका आपको लाभ उठाना है। यह पैसा आपको कैसे मिलेगा, आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रह गोचर समय के साथ बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति ग्रह गोचर का लाभ लेना चाहता है, उसे ग्रह गोचर के साथ खुद को भी बदलना होगा और कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। हम आपको इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ताकि ग्रह गोचर का पूरा पूरा लाभ आपको मिले और आप अपने जीवन में सफलता के झंडे गाड़ दें। वीडियो शुरू करने से पहले, जितने भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इसे शेयर भी करें। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ और हर हर महादेव 3 बार लिखें। दोस्तों, यकीन मानिए, आने वाले अगले 24 घंटे में भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में एक बड़ी खुशखबरी देंगे। आज शाम से आपकी कुंडली का जलवा पूरी दुनिया देखेगी। अब आपके जीवन में इतना बड़ा बवाल मचने वाला है कि सभी लोग देखते रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपकी राशि के सभी जातक बहुत भोले होते हैं और भोलेपन की वजह से आप किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं और वहीं गलती कर बैठते हैं। आप यह नहीं समझते कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है। आप किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर तुरंत उसे अपना मान लेते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि वे लोग आपको अपना बनाकर आपकी सोच और ज्ञान का शोषण करते हैं और आपकी भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए दोस्तों, अब आपको संभालना होगा और सतर्क रहना होगा। अपने और पराया की पहचान करनी होगी। परंतु चिंता न करें और बिल्कुल परेशान न हो, क्योंकि इस समय साक्षात देवों के देव महादेव, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तीनों लोक के मालिक हैं, वह आपकी कुंडली में विराजमान हो चुके हैं। अब आपकी कुंडली में कोई भी बुरा ग्रह अपना खेल नहीं दिखा सकता। आपकी कुंडली में सिर्फ देवों के देव महादेव का ही तांडव होगा। देवों के देव महादेव के आशीर्वाद से आज शाम से आपको वह सब खुशखबरी मिलने वाली है, जिसके लिए आप पिछले कई समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चाहे वह खुशखबरी आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य या किसी भी प्रकार की परेशानी के क्षेत्र में हो, महादेव आपको सभी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी कामयाबी और लाभ के मौके देने वाले हैं। बस इस मौके का लाभ आपको कैसे उठाना है, यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे कि आपकी लव लाइफ, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। हम यह भी बताएंगे कि इन सभी स्तरों पर आपको किन किन छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है, ताकि आपके नसीब के 25 लाख रुपए आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि
कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें। अगर आप वीडियो का कोई हिस्सा मिस करेंगे तो बात पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी और आप लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसलिए हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। जी हां दोस्तों, अब हम आगे वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में ग्रह गोचर के कारण कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं और भोलेनाथ आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं। संसार के दुख दूर करें भोलेनाथ, आपकी कृपा से सजीव हरे का आस। भोले के भक्तों का ऐसा भाग्य बना दो, हर तरफ खुशियों की हो बस बरसात। ओम नम शिवाय का जप करें दिन रात, भोलेनाथ की महिमा है सबसे महान। हर मुश्किल को आसान बना देते हैं शिव, उनकी कृपा से मिलता है सुख और सम्मान। शिव के चरणों में है सुख शांति की छांव, भोलेनाथ की भक्ति से मिटते हैं सब घाव। संसार की हर चिंता हो जाती है दूर, जब दिल में बसा हो महादेव का नाम। ये बात अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। अगले 24 घंटे के अंदर माँ कृपालु भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद से आपके घर में रिद्धि सिद्धि और बरकत होना शुरू हो जाएगा। घर का माहौल शांत बनाकर रखें। आज आपका विशेष ध्यान दोस्तों पर रहेगा। किसी पुराने दोस्त से या तो आप मिलेंगे या उनमें से कोई आपसे मिलने आज अचानक चला आएगा। आज अपनी किसी एक या अधिक दोस्तों की परेशानी में मदद भी करने वाले हैं। दूसरी ओर एक दोस्त आपके ऊपर अपना गुस्सा भी निकल सकता है, लेकिन बुरा ना माने, उस दोस्त की अपनी कुछ परेशानियां चल रही अहीं और इसीलिए वह ऐसे व्यवहार कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे आप अपने बनाए फिटनेस कार्यक्रम के अनुसार चल पाने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं। चिंता न करें, आप जल्द ही अपनी पुरानी शेप वापस पा लेंगे। इसके अलावा आपकी सेहत भी अच्छी है, इसके लिए बस वैसे ही उत्साही बने रहने की जरूरत होगी जैसे आप इस समय हैं। पिछले कुछ समय से आपकी त्वचा पर टैन आ गया है, इसीलिए इसे फलों के अर्क से रगा डीडीएच कर साफ कर लें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंध पर जिद्दीपन को हावी ना होने दें। आपका पार्टनर समझौते के मूड में नहीं है, इसलिए आपको ही समझदारी और लचीले रवैये से काम लेना होगा। आपके इस कदम से आपकी रोमांटिक लाइफ में भी सुधार आएगा, आपके पार्टनर को भी आपके दोस्ताना अंदाज का एहसास होगा। अर्थपूर्ण भाव भंगिमाओं से अपने पुराने संबंध को एक नया अर्थ देने की कोशिश करें। अपनी नौकरी के क्षेत्र में बदलाव लाने का ये उपयुक्त समय है। अगर आप नौकरी से संबंधित किसी दुविधा में थे तो ये समय नौकरी में परिवर्तन लाने का समय है, जो कि आपको उचित दिशा में ले जाएगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। इस उपरांत अगर आपको कुछ जोखिम लेना पड़ी ढे तो न सोचे, क्योंकि यह जोखिम ही आपको अंत में मददगार साबित होगा। आज दिन भर आपका मूड बदलता रहेगा, लेकिन आपका भाग्य आपके साथ है। इसका एक नुकसान यह है कि आप भाग्य के भरोसे पर अधिक रह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इसके कारण परियोजनाओं की तैयारी में कोई कमी ना रहे। वित्तीय फायदे तो होंगे, किंतु अनावश्यक खर्च ना करें। वित्तीय लाभ का यह सिलसिला अधिक समय तक नहीं चलेगा। आपका स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और शारीरिक मेहनत वाला कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार फायदेमंद साबित हो रहा है, यह आपको अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी डाइट कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं तो आपको अपना वजन घटता बढ़ता दिखाई देगा, जैसा भी आप चाह रहे थे। आपका एक्सरसाइज कार्यक्रम भी बिल्कुल ठीक है और उससे हो रहा फायदा भी आपको नजर आएगा। इससे आपको और भी अच्छे और नियमित रूप से अधिक शारीरिक मेहनत की प्रेरणा मिलेगी। आप सामने वाले को अपनी हंसी मजाक से प्रभावित करना चाह रहे हो, लेकिन या तो वह आपसे प्रभावित नहीं होगा या फिर आप पर यह बात जाहिर नहीं होने देगा। शायद आपको उस पर प्रभाव जमाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ रहेगा, जिसे आप किसी का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका समझते हैं। हो सकता है सामने वाले को पसंद न आए, इसीलिए जरूरत पड़ी डेचने पर उसमें बदलाव लाने के लिए तैयार रहें। आज का दिन प्रशासनिक नौकरियों में या किसी भी क्षमता में सरकार के लिए काम कर रहे लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। जो भी विस्तारपूर्ण कामकाज जो काफी समय से लंबित था, उसे करने के लिए आज प्रयत्न करें, क्योंकि वह आसानी से समाप्त हो जाएगा। अगर आप अपने वर्तमान कार्यस्थल पर बेचैनी या फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं तो आज का दिन
एक नई नौकरी के लिए भी उपयुक्त है। अगर नई नौकरी एक प्रशासनिक क्षमता को लेकर है तो निकट भविष्य में आपकी सफलता की पूरी संभावना है। आज आपको अपने दृष्टिकोण को सांसारिक वास्तविकता के साथ संतुलित करने की जरूरत को समझने और इस कला में पारंगत होने की आवश्यकता महसूस होगी। आपकी योजनाएं महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन आपको इसके लिए वास्तविक समस्याओं को समझना होगा, नहीं तो आप अपने अच्छे इरादे के बावजूद टकराव महसूस करेंगे। आपको यह भी समझना है कि आपका किसी ऐसे व्यक्ति से भी टकराव संभव है जो आपके ही जितना महत्वाकांक्षी और दृढ़ संकल्पी है। अगर आप किसी स्वास्थ्य संबंधी परियोजना पर काम कर रहे हैं या इसी के बारे में कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको उम्मीद से कहीं जल्दी सफलता मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखें और कुछ गलत होने पर समाधान तैयार रखें। आपको इन सब प्रयासों के लिए भी प्रशंसा मिलेगी। आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका साथी आप पर ध्यान नहीं दे रहा है, ये समय अपने कृत्यों से उसे संतुष्ट करने का है। आप घर जल्दी आए और हो सके तो अपने साथी के लिए खाना बनाएं। अपने कमरे को प्रकाश व मोमबत्तियों से सजाएं। अपने साथी को ये दर्शाएं कि प्यार आपकी नस नस में है। आपका साथी इस बात को समझेगा। अगर आप अपने साथी से दूर है तो दूरभाष के द्वारा उससे संपर्क साध सकते हैं। एक उत्कृष्ट अवसर आपके लंबित कार्यों को खत्म करने के लिए आपके रास्ते में आ सकता है। इस खाली समय का पूरा उपयोग करें। हालांकि आप जिस तरीके से अपने कार्य अभी तक करते थे उन्हें आपको छोड़ ढहना होगा। यह अपनी पसंद के घर के स्वामित्व को पाने के लिए सही समय है। पुरानी और बेकार चीजों को जीवन से हटा देने का समय है। आप किसी पिछली स्थिति से महज किसी एहसान की भावना या मजबूरी के चलते चिपके हुए हैं जो अब आपको कतई पसंद नहीं है। आपको इसमें से बाहर आ पाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन आज आप इस स्थिति से बाहर आने के लायक मानसिक शक्ति जुटा पाएंगे। आपको अपने इस काम में किसी घटना से भी मदद मिलेगी। आज आराम करने का दिन है। अपने लिए कोई मसाज अपॉइंटमेंट लें या कोई तनाव भगाने वाली क्रिया करें। हालांकि इसका यह मतलब यह भी नहीं है कि आप पूरे दिन सोफे पर आराम फरमाएं। इसके स्थान पर आप सक्रिय रहकर स्वास्थ्य संबंधी भोजन या जिम उपकरण खरीद सकते हैं। आपको किसी से स्वास्थ्य संबंधी अच्छी सलाह भी मिलेगी। आज का दिन भावनात्मक रहेगा। आपको अपने अंतरतम की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने की स्थिति भी आ सकती है। आपको इससे थोड़ा सा डर रहेगा क्योंकि आपने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भावनात्मक संतुष्टि मिलेगी। आपका कोई करीबी भी आज भावनाओं में बहकर बात करेगा, लेकिन आपको जमीन से जुद्धे रहकर उपयुक्त प्रतिक्रिया देनी है। आज पानी से जुड़ी कोई दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए अगर आप तैराकी, सीलिंग या सर्फिंग के लिए जा रहे हैं तो अतिरिक्त सावधानी रखें। इसके अलावा आपकी तबीयत बहुत अच्छी रहेगी और आप नई व्यायाम या योग कक्षाएं शुरू कर सकते हैं। अपने आसपास किसी से आप और अच्छी शारीरिक फिटनेस हासिल करने के लिए प्रेरित होंगे। आप अपनी नौकरी और कैरियर के लिए अधिक से अधिक समय समर्पित करने के कारण अपने प्यार और अपने साथी की अनदेखी कर सकते हैं। आपके साथी को काफी हद तक यह समझ आ चुका है, लेकिन अब वह अधीरता के संकेत दे रहा है, दे रही है। आपके लिए यह जरूरी है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन पर भी ध्यान दें, अन्यथा यह काफी संकट में आ सकता है। अभी तक आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, इस ओर अपना ध्यान दें, अन्यथा काफी देर हो चुकी होगी। आज आप एक ऐसे सफल पेशेवर से मिल सकते हैं जो आपका कार्य करने के लिए उपलब्ध सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन उसके साथ साझेदारी के गठन से पहले थोड़ा सावधान रहे। संभावना है कि वह कार्य के मध्य में अपनी दरों में वृद्धि कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प ये होगा कि आप ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करें जिसमें दरें गतिमान की बजाय स्थायी हो। यदि आप आज थोड़े से धीरज और सहनशीलता के साथ काम लें तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन धीरज बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। समय भी आपको रेंगता सा अनुभव होगा और आप जिस गति से चाहते हैं उससे काम नहीं हो पाएंगे। अगर आप जल्दी भी मचाएंगे तो सब कड्डाबड्डा हो जाएगा। खुद को शांत रख पाने की किसी क्रिया के साथ दिन की शुरुआत करें। आप अपने जीवन की कुछ विशेष घटनाओं के कारण निराश से हो गए हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं
और काम पर ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते। काम पर बेहतर तरीके से फोकस करने के लिए हर रोज सोने से पहले लिख लें कि आपने कौन से काम पूरे कर लिए हैं। यह भी लिख लें कि आपको कल कौन से काम पूरे कर लेने हैं। कुछ समय से तनाव आपके रिश्ते में पनप रहा है और हो सकता है कि इसका असर बाहर दिखने लगे। आपने सारे प्रयास किए लेकिन अब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा है और प्रमुख टकराव होने की संभावना भी है। हालांकि यह आपका तनाव घटाने में सहायक सिद्ध होगा, जिसने कि आपकी बातचीत और संदेशों का आदान प्रदान रोका हुआ था। खुले में वार्तालाप की वजह से आप निर्णायक मुद्दे की तरफ मुड़ सकते हैं, जो कि आपकी रिश्ते की प्रगति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा। आज आप एक आमंत्रक की भूमिका में रहेंगे, इसलिए एक मेजबान की जगह एक आयोजक की भूमिका में रहे। आप दोनों ही मामलों में अच्छी राशि पाएंगे, परंतु एक आयोजक की भूमिका लाभप्रद होगी। यह आपकी जन्मजात क्षमताओं में से एक है, सिर्फ आप उसकी पहचान नहीं कर पाए थे। वित्तीय लाभ की सूचना से आपको और आपके परिजनों को खुशी होगी। इससे ये भावना आएगी कि सब अच्छा हो रहा है। आप खुशमिजाज और आकर्षक हैं। नए लोगों से मिलें, इससे आपको नए अवसर मिलेंगे जो अंततः आपके लिए फायदे का सौदा साबित होंगे। आप परिवार या घर की बनावट में कोई बदलाव लाने के बारे में सोच सकते हैं। आप एक नीरस और रूटीन जीवन शैली के आदि हो चुके हैं और इस प्रक्रिया का बुरा असर आपके शरीर पर देखा जा सकता है। अब भी समय है, आपको जल्दी ही अपनी पहले वाली ताकत और स्टैमिना हासिल करने के लिए एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको जल्द ही किसी शारीरिक मेहनत वाले काम के लिए बुलाया जा सकता है। अपने तनाव को दूर करना भी महत्वपूर्ण है। चाहे आप इसे न जानते हों, लेकिन आपका अस्वास्थ्यकर खाना ही इस तनाव का कारण है। आप जहां कहीं भी जाते हैं, आपको अपने बीते हुए दिनों की याद दिलाने वाला कुछ न कुछ मिल ही जाता है, जहां आपने अपने प्रियतम के साथ प्यार भरा समय बिताया था। ये तो कहां ही जा सकता है कि अब वह पुरानी बात नहीं रही है। उन बातों के लिए अपना मन दुखी न करें। कुछ चीजों को चाहते हुए भी नहीं बदला जा सकता, इसीलिए उन्हें वैसे ही रहने दें जैसी वे हैं। जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपने नींव बिछाने का कार्य किया था, उसका फल आज से आपको मिलने लगेगा। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को आप शायद न देख पाओ और निराशा और आलसीपन आप में विकसित हो सकता है। अगर आप अपने प्रयासों में कमी लाएंगे तो आपकी सारी की गई मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने प्रयासों को मजबूती से करना जारी रखें। आज आपको ईमानदारी से काम लेना है। आज का दिन अपने काम की बारीकियों पर ध्यान देने और उन महत्वपूर्ण कामों को पूरे कर लेने के लिए भी बहुत अच्छा है, जिन्हें आप कुछ समय से टाल रहे हो। आप इन नीरस रूटीन कामों को पूरा करने में आलस कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप इन्हें शुरू कर दें तो बहुत जल्दी पूरा भी कर लेंगे। आज सेहत और ऊर्जा दोनों ही आपके मजबूत पहलू है। कोई काम असंभव नहीं लगता और आप सब काम निश्चित समय में बिन कोई परेशानी पूरा कर लेंगे। वास्तव में आप इतना ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं कि पिछले लंबे समय से कोई मेहनत का काम न करने के बावजूद आप .dh या जिम के लिए जा सकते हैं। आपकी शारीरिक फिटनेस जीवन के एनी सभी क्षेत्रों में भी दिखाई देगी, क्योंकि आप सकारात्मक ऊर्जा और विचारों से भरे हुए हैं। आज कोई अन्य व्यक्ति आपके प्यार के जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकता है। यह आप पर निर्भर करता है कि वो कितना सफल होंगे। अगर आप उनकी बातों को सुनते और प्रभावित होते हैं, आपको आगे बढ़ने से बहुत से अवसर मिलेंगे, लेकिन उन सबको हासिल करने की जल्दी में ना रहें। अपने सभी विकल्पों को ध्यान से सोच समझ कर ही आगे बढ़ें। अपने दोस्तों के साथ भी बांटें। यह ऐसा समय होगा जब आपको कई प्रयास करने होंगे। सब कुछ भाग्य पर न छोड़ दें। आपके कार्य ही आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। आपको अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखना होगा, विशेषकर जब आपके काम में आंखों का विशेष काम है। जिनको ज्यादा पढ़ने, फोटोग्राफ लेने होते हैं या पूरा दिन कंप्यूटर पर काम करना होता है, उन्हें अपनी आंखों जांच करवाकर आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किताबों और कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी थकी आंखों को आराम देकर प्राकृतिक दृश्यों को निहारना भी अच्छा विकल्प है। आपको अपने साथी की शारीरिक या भावनात्मक रूप से चाह है, जो कि आपसे दूर है। शारीरिक दूरी को पाटना मुश्किल है,
पर भावनात्मक तौर पर आप आसानी से अपने साथी के साथ जुड़ सकते हैं। अपने अहंकार को दूर रखें और पहला कदम उठाएं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपका साथी भी उसी अनुपात में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। इस अदृश्य दीवार को तोड़ डियाचकर आगे बढ़े। आप एक आकर्षक आभा और मीठी वाणी के स्वामी हैं। इन अलंकारों की वजह से आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। आपका बच्चों का सा रवैया हर जगह खुशी फैलाता है और सबके लिए बहुत आसान परिस्थितियों का निर्माण होता है, और आप अपने चुटकुलों और हास्य से सबके मनोविज्ञान को प्रभावित करते हैं, जो आपके मुखमंडल से अनायास ही निकल पड़ते हैं। आपको मदद की जरूरत है और आप जितनी जल्दी यह बात समझ लेंगे उतना ही अच्छा है। समय रहते किसी दोस्त या मेंटर से मिली मदद से आप फिर से जीवन में आपस आ पाएंगे। जिन बदलावों का आप विरोध करते आ रहे हैं उनकी महत्ता आपको अब समझ में आएगी और आप खुद उन्हें करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अपनी व्यवहारिक जरूरतों के रास्ते में अपने अहम को न आने दें। अगर पिछले कुछ समय से आप अपने वजन को लेकर परेशान हैं तो आज आपको कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। संतुलित भोजन और एक्सरसाइज का एक स्वास्थ्यकर कार्यक्रम शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर आप अपने इस कार्यक्रम में आसपास से किसी की मदद और सलाह ले सकें तो आपकी सफलता की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। आप आज ऊर्जा और आशा से भरे महसूस करेंगे। ग्रहों के प्रभाव के कारण आपके प्रेम की जिंदगी में एकदम से तीव्रतम ऊर्जा का संचार होगा। आपका साथी काफी आक्रामक रवैया अपना सकता है और आप इस बात से अनभिज्ञ रहेंगे कि किस तरह से आप इसे संभालें। अगर आप एकल है तो आप उस व्यक्ति के साथ जा सकते हैं जिससे आप अभी तक दूर रहते और परहेज करते थे। आज का दिन अपने रिश्तों के साथ प्रयोग करने के लिए भी उचित है। अगर आपने अभी तक इसकी योजना नहीं बनाई थी, आज बड़ी और छोटी सफलताएं आपके कार्य क्षेत्र में दस्तखत दे रही हैं। आपके द्वारा एक समय में प्रदान की गई सेवाओं के लिए आपको कुछ भुगतान प्राप्त हो सकता है या आपको एक अप्रत्याशित बोनस मिल सकता है। एक लंबे समय से जो पदोन्नति अटकी हुई थी वह आपको मिल सकती है, या आपका पद ऊंचा हो सकता है और अलग से एक केबिन आपको मिल सकता है। बेरोजगार युवक या वे लोग जो अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ना चाहते थे, उनके लिए भी आज शुभ संदेश मिल सकता है। आपसे सामाजिक संपर्कों पर और ध्यान देने की अपेक्षा है। आपके आकर्षक व्यक्तित्व का सब पर प्रभाव पड़ रहेगा। इसके अलावे आपको उन लोगों पर भी ध्यान दें जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपनी व्यस्त कार्यशैली के बावजूद सेहत का ध्यान रखें। आज आप शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से खुद को बहुत अच्छी स्थिति में पाएंगे। आपकी मानसिकता में उठान आपके काम में साफ दिखाई देगा। आप अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आज थोड़ा सा और अधिक ध्यान रखें और बोरियत से बचने के लिए कोई फिटनेस कार्यक्रम ज्वाइन कर लें। चलते या टहलकदमी करते हुए किसी को साथ ले लें, आपको अच्छा लगेगा। यह समय उन सभी रिश्ते को मजबूत करने का समय है जिनको आपने अपने प्रेम प्रसंग के लिए कुछ पीछे छोड़ दिया था। इसमें आपके माता पिता, भाई बहन, आपका विस्तारित परिवार और आपके दोस्त शामिल हैं। आपको यह एहसास करने की जरूरत है कि ये रिश्ते किसी भी चीज से कम महत्वपूर्ण नहीं है और ये आपको मूल्यवान समर्थन प्रणाली प्रदान करते हैं। आपको अपने प्रेम के रिश्ते की तरह ये रिश्ते भी पोषित करने की जरूरत है। आज काफी सारी बातें आपके ध्यान देने योग्य होंगी जिससे आपका सब पर ध्यान लगाना मुश्किल होगा। ज्यादा तनाव न पालें, बैठकर शांति से निर्णय के बारे में सोचें और उसके अनुसार कार्य करें। आज आप एक पुराने दोस्त से मिल सकते हैं। कोई जानकर आपके सामने एक दिलचस्प प्रस्ताव रख सकता है जिसको जानकर आप लालायित हो सकते हैं, परंतु सोच समझकर निर्णय लें। आज आप जो भी कुछ शुरू करेंगे उसमें चाहे कितनी ही बाधाएं आए, आपको सफलता मिलनी तय है। दिन के अंत तक आप दूसरों से फिर से बेहतर संबंध बना पाएंगे। अपनी प्रकृति में एक जरूरी बदलाव लाएं। हर संबंध में केवल अधिकार जताने की कोशिश में ना रहें। सबको बराबरी का दर्जा दें और आपको भी बदले में सबसे प्यार मिलेगा। आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज का दिन बाहर के कार्यों को करने के लिए काफी उपयुक्त है, खासकर आज प्रतिस्पर्धी खेलों में
काफी अच्छा करने वाले हो, लेकिन अगर आप अपने शरीर से उसकी क्षमता से अधिक काम लेंगे तो आपको मानसिक थकान भी महसूस होगी, जो आपको सामान्यतः कभी नहीं होती। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक रहेगा, क्योंकि आपकी शारीरिक स्थिति अत्यंत उत्तम है। आपको यह बात माननी ही होगी कि चाहे किसी रिश्ते में खूब सारा प्यार हो, लेकिन फिर भी उसे टिकने के लिए कोई ठोस आधार जरूर चाहिए। केवल प्यार होना ही काफी नहीं है,